अन्य शब्दों में कुत्र प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है? कुत्र प्रत्यय जिससे आरण्यक बनता। जब अरण्य शब्द में कुत्र प्रत्यय यानी ये वन को सूचित करता है, अरण्य जो है ये वन को सूचित करता है, इसका अर्थ ही वन है, इसीलिए इन ग्रंथों का अध्ययन वन में किया जाता। अरण्य माने होता है वन, इसमें कुत्र प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है? कुत्र प्रत्यय लगा है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में वन प्रांत जो थे उनमें सभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, यानी तप करते थे, ऋषि महर्षि रहते थे। प्राचीन काल में हमारे जो भारतवर्ष के ऋषि महात्मा ऋषि महर्षि जो थे वे सभी वन में रहते थे, वन में तपस्या करते थे, अर्थात उनकी जो तपोभूमि है या थी ऋषि महर्षियों की जो तपोभूमि होती है वो वन हो, वहां ये गहन तपस्या किया करते। कहां? वन में ऋषि मुनि गहन तपस्या किया करते थे। ये तपस्या यानी प्राचीन काल में जो गुरुकुल थे ना, प्राचीन काल में जो गुरुकुल थे वे गुरुकुल भी वनों के अंदर ही थे। किसके अंदर थे? वनों के अंदर। जिन ग्रंथों को वन में रचा गया था तथा वन भागों के जो गुरुकुल होते थे जिनमें पठन पाठन हुआ करता था वे आज आरण्यक बन गए। वे आज क्या बन गए? आरण्यक बन गए। ठीक है बंधुओं, ये है आरण्यक ग्रंथों की जन्मभूमि, ये है आरण्यक ग्रंथों की जन्मभूमि। अब देखिए ये जो आरण्यक ग्रंथ है यानी इनमें कौन रहते थे? वानप्रस्थ के लोग। अब देखिए वानप्रस्थ जनानां, वानप्रस्थ लोगों के ग्रंथ कौन से हैं तो आपको लिखना है आर। वानप्रस्थ लोगों के ग्रंथ कौन से हैं इसका मतलब ये है। तो बंधुओं आपको लिखना है वानप्रस्थ जनानाम ग्रंथा, इसका उत्तर लिखना है आरण्यक ग्रंथ, क्योंकि जो लोग वन में रहकर तपस्या करते थे जिन ग्रंथों का वे अध्ययन करते थे वो ग्रंथ थे आरण्यक ग्रंथ। वो ग्रंथ कौन से हैं? आरण्यक ग्रंथ। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि जिन ग्रंथों को वन में रचा गया यानी वन के अंदर जो गुरुकुल होते थे, क्या होते थे? गुरुकुल। गुरुकुल, इन गुरुकुलों में जो पठन पाठन किया जाता था, यहां जो ग्रंथ रचे गए अर्थात वन में जिन ग्रंथों की रचना की गई,
वन में जिन ग्रंथों की रचना की गई उन ग्रंथों को हम आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। ठीक है बंधु, जिन ग्रंथों की रचना वन में की गई उन ग्रंथों को हम आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। कौन से ग्रंथ कहते हैं? आरण्यक ग्रंथ, क्योंकि आश्रम चार होते हैं। गृहस्थ आश्रम, इससे पहले होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी प्राचीन काल में मनुष्य की 100 वर्ष निश्चित आयु निर्धारित की गई थी। कितने वर्ष? 100 वर्ष। और इस 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 के बाद अंतिम सीमा जो थी 100 तक, या कम ज़्यादा वो उसके कर्मों के ऊपर निर्धारित होती थी। तो ये जो वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ जो है ये 3rd नंबर का आश्रम था। ब्रह्मचर्य इसमें मनुष्य, यानी मनुष्य नहीं कह सकते हम उसे, उसमें वो बालक शिक्षा ग्रहण किया करता था। 25 के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम के बाद वो वन और गृहस्थ, यानी उसकी सीमा निश्चित नहीं थी कि वो अपने परिवार से या घर वालों से मिल सकता था। ये वानप्रस्थ आश्रम था और उसके बाद आता था संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब है कि उससे उसका संसार से कोई भी मतलब नहीं, संसार से उसका कोई लेना देना नहीं, ये होता है संन्यास आश्रम। तो ये वानप्रस्थ जो लोग थे उनके ग्रंथ हैं कौन से? आरण्यक ग्रंथ। यज्ञ जो है, यज्ञों का आध्यात्मिक विवेचन, अब देखिए दूसरा प्रश्न उत्तर एक ही है। यज्ञों का आध्यात्मिक विवेचन कहां प्राप्त होता है, ये प्रश्न बनेगा। यज्ञों का आध्यात्मिक विवेचन कहाँ प्राप्त होता है? वानप्रस्थ, यानी सॉरी आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ का आध्यात्मिक विवेचन, आध्यात्मिक जानकारी, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है किनमें? आरण्यक ग्रंथों। कौन से ग्रंथों में? आरण्यक ग्रंथों। ये जो आरण्यक ग्रंथ हैं इनकी संख्या है 7। आरण्यक जो ग्रंथ हैं इनकी संख्या है बंधुओं 7। आरण्यक जो है इनकी संख्या है कितनी? 7। कितनी है? 7 है। यदि संख्या पूछी जाती है तो आपको लिखने हैं 7। कितने लिखने? 7। नंबर 1, ऋग्वेद दूसरा है यजुर्वेद, ठीक। ऋग्वेद जो है इसके जो आरण्यक हैं एतरे और कौशीतक,
ईतरे और कौशीतक ये ऋग्वेद के आरण्यक हैं। कौन से वेद के आरण्यक हैं? ये ऋग्वेद के आरण्यक हैं। कौन कौन से? ईतरे और कौशीतक। ईतरे और कौशीतक। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का है, यजुर्वेद के दो भाग थे जिसका वर्णन मैंने हर समय किया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसका आरण्यक है तैतिरीय आरण्यक। तैतिरीय जो आरण्यक है, तैतिरीय जो आरण्यक है, ये कृष्ण यजुर्वेद का किसका है? ये कृष्ण यजुर्वेद का तैतिरीय आरण्यक है। कौन सा है? तैतिरीय आरण्यक। अब इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद के जो आरण्यक हैं, सामवेद के जो आरण्यक हैं, उन आरण्यकों का नाम है छांदोग्य, और दूसरा है जैमिनी। सामवेद के जो आरण्यक हैं, उन आरण्यकों का नाम है छांदोग और जैमिनी। जैमिनी जो आरण्यक है, इसका नाम है तवलका, यानी ये इसका दूसरा नाम। तो प्रश्न वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि तवलकार किसका अब दूसरा नाम है, तो लिखना है जैमिनी। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि तवलकार किस वेद का आरण्यक है, तो आपको लिखना है साम, क्योंकि जैमिनी जो आरण्यक है, इसे हम तवलकार भी कहते। जैमिनी जो आरण्यक है, इसे हम तवलकार भी कहते हैं, क्योंकि और देखिए ये जो आरण्यक है, ये जो आरण्यक है, इनमें प्राण वायु का विवेचन, ये जो आरण्यक हैं, इनमें प्राण वायु का विवेचन। किसका विवेचन है? प्राण वायु का विवेचन है, और उसके बारे में लिखा है, इसके बारे में प्राण वायु का जो विवेचन है, इसके बारे में लिखा है प्राणेन एव अंतरिक्षस्। प्राणीन ए अंतरिक्षस्, प्राणीन एव अंतरिक्षस्य वायुच, वायुच यानी ये किसमें लिखा है? ये एतरे आरण्यक में लिखा है। यदि ये आपसे पूछता है कि ये किसमें लिखा है, तो आपको लिखना है कि यह एतरे आरण्यक में लिखा है। किसमें लिखा है?
एतरे आरणक में लिखा है कि प्राणेन एव अंतरिक्षस्य वायोच वायोच सृष्टा संति, वायोच सृष्टा संति, इसमें गण एव पिता अस्ति, ऐसा ही लिखा है। यानी ये सब जो लिखा है, निष्कर्ष ये है कि ये सब जो लिखा है ये आरणक ग्रंथों में ही लिखा है। किन में लिखा है? आरणक ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि आरणक का एक दूसरा नाम भी है और वो नाम है रहस्य। आरणक का जो नाम है दूसरा, वो नाम है रहस्य, वो नाम है रहस्य। आरणक का जो दूसरा नाम है, इसका नाम यानी रहस्य भी इसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरणक ग्रंथों में गुण बातें लिखी, गुण तत्व लिखा है, इसीलिए इन्हें यदि हम रहस्य के ग्रंथ भी कह देना तो भी कोई आपत्ति नहीं। यदि इन आरणक ग्रंथों को हम रहस्य कह दें, रहस्य के ग्रंथ यदि कह दें तो भी कोई गलत नहीं, तो भी कोई भी गलत नहीं। अब देखिए मित्रों, ये जो आरणक ग्रंथ है, ये जो आरणक ग्रंथ है, ये जो ऋग्वेद का जो आरणक ग्रंथ है ना, इसे हम सांख्यायन भी कह सकते हैं। एतरे और सांख्यायन, इस प्रकार से भी प्रश्न वो पूछ सकता है कि ऋग्वेद के दो आरणक हैं एतरे और सांख्यायन। कृष्ण यजुर्वेद का आपके सामने लिखा है तैतरीय आरणक, कृष्ण जो यजुर्वेद है उसका लिखा है तैतरीय आरणक, और जैन सामवेद का जो जैमनीय जो आरणक है वह जैमनीय उपनिषद, जैमनीय जो उपनिषद है उसे हम जैमनीय उपनिषद जो ब्राह्मण है उसे हम तवलकार आरणक नाम से जान। ठीक है बंधुओं, इन इनमें यानी इन आरणकों में साम मंत्रों की, साम मंत्रों के प्रभाव की व्याख्या है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो आरणक हैं इनमें साम मंत्रों के प्रभाव की व्याख्या है। ये जो आरणक हैं इनमें साम मंत्रों के प्रभाव की व्याख्या है। तो इस प्रकार से ये आरणक जो ग्रंथ है, इन आरणक ग्रंथों का अध्ययन हमने आपके लिए किया। मुख्यतः ये जो आरणक ग्रंथ हैं इन 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 जिस साहित्य का अध्ययन नगर या सीधे कह सकते हैं जिनका अध्ययन नगर से बाहर वन में किया जाता था उन्हें हम आरणक ग्रंथ कहते हैं। इनमें जो प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते थे जहाँ पठन पाठन किया जाता था वहाँ ऋषि महर्षि वन में तपस्या किया करते थे। उन ऋषि महर्षियों ने जिन ग्रंथों का वर्णन किया, जिन ग्रंथों की रचना उन ऋषि महर्षियों ने की, उन ग्रंथों को ही हम आरणक ग्रंथ कहते, उन ग्रंथों को ही हम आरणक ग्रंथ कहते हैं। और आरणक जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या है कितनी बच्चों? सात। कितनी है? सात है। कुछ आरणक प्राप्त हो गए हैं और कुछ आरणक प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो शास्त्र थे, ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं, यानी जड़ है। इन्हीं के द्वारा इस देश की, इस मिट्टी की, इस जन्मभूमि, इन्हीं ग्रंथों के द्वारा, इसी ईश्वर लीला के द्वारा
इस देश की यानी भारतवर्ष की, इस मिट्टी की, इस जन्मभूमि की, इस जन्मभूमि की संसार में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इन्हीं के कारण, इसी ईश्वर लीला के कारण, इन्हीं ग्रंथों के कारण प्राचीन काल में ये भारत देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। बंधुओं, संसार में जब जब विपत्ति आती है तो ऐसा कहते हैं और ऐसा लगता भी है कि ये सत्य है। जब जब विपत्ति आती है तो यह देश हमेशा शांति के पथ पर चलता है और विश्व कल्याण की भावना रखते हुए संसार को बचाने की कोशिश कर, इन्हीं के कारण आज हम, इन्हीं के कारण, इसी ईश्वर लीला के कारण आज हम इतने मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमें प्रत्येक सृष्टि का जीव हमें भली भांति जानता है और वो ये कह देता है कभी ना कभी कि ये उस देश के नागरिक हैं जो कभी विश्व गुरु हुआ करता। ठीक है बंधुओं, तो हमने आपके लिए इन ग्रंथों का अध्ययन किया है। इन ग्रंथों को आप इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलें और इनमें आपको कहीं पर भी कोई भी यदि प्रश्न में दिक्कत आती है, समझने में यदि दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें या फिर हमारा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। 9982160603 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्या है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। इस पे यदि आप संपर्क करते हो तो आपके हर प्रश्न का समाधान हो। कमेंट ही होता है, साक्षात्कार ही होता है। ये बंधुओं आप जानते हो। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।